ओडा से चल के को बुजुर्ग मारा पिपा सर आया है बीकानेर जिले में राजस्थान में। मटोर में आए हैं बिन्ने के चार बेटे। जब अम्बाड़ा जोन की भर्ती होती है तो गांव मटोर के जो युवा है जो भर्ती में आते हैं वो नंबर वन पर आते हैं। आगे वो हमारे 14 गांव उसमें पटियाला जिले में चनैथल चौड़ा दो चनैथल है, चौड़ा है, जिंदलपुर है, जड़े भी मोहन कवे हैं, वो सारा मटोर तो निकलिया है। बड़ा गोतमा में पंवार माना जगदे पंवार, बाकी लोचसब और मोहन यो यही चीज़ है। मानो नाम था उसका, मानो का नाम था मोहन लाग गए लिखन, वो मोहन यूँ बन गया। दैड़ मिली थी हमने इसकी खप्पड़ की। सर आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि आपका गांव जो है मटोर, ये किसने बसाया था, कब बसाया था, किस तरह से बसाया था, कहां से आकर बसाया गया था, किस बुजुर्ग ने बसाया था, किस तरीके से बसाया था? यो गढ़ गरोड़ धारा नगरी का निका बोल रहा है हमारा, इसमें जो भी फेरे फारिया पे भी हो है नी, ओड़ा का निका हमारा, ओड़ा से चले हुए हैं, ओड़ा से चल के को बुजुर्ग हमारा पिपा सर आया है बीकानेर जिले में राजस्थान में। पिपा सर तो फिर बसया है कि कुलेरी बीच और किरमारा बीच थे हिसार जिले में, ओड़ा बसे हैं क्या, ओड़ा तो समझ चल के फिर कुछ तो कुलेरी आ गए, कुछ किरमारा भी गए। कुलेरी का कुलेरी कुलिया 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 होगा ना, कुलिया का नाम था, कुलेरी पड़ी थी। फिर आदू दिर जा दो भाई में तो मैं किरमारा बन जा जाएगा उनकी। फिर महाराला जो सा बूढ़ा था यूर है माजरा पे किसान वाले शिमला बीच और मटोर बीच आके थे पड़ा था, उस पर आके बसे हैं। ओड़ा तो फिर चले हैं उरे मटोर में आके बसे हैं। मटोर में आए हैं बिन्ने के चार बेटे, तीन मटोर में आ गए, एक पंजाब में गया। मैं थे रणसी मणसी और गुजर नौसाऊ, तीन तो यहाँ मटोर में बसे हैं आगे। एक चांद था वो कलैत बस गया जाएगा, कलैत तो फिर वो पंजाब में गया, चनैथल बांधी उसे जाएगा पटियाला जिला पटियाला में। जिला पटियाला में ओड़े उत्ती मतलब अपना वजीर भी बनया उस टाइम में, राजा जैसे पटियाला का राज होया है सुहाई सिंह वजीर होया है कदे, उसका राजा का पटियालिया राजा का राज में वजीर होया है। फिर आगे आगे हुए हमारे 14 गाँव उसमें पटियाला जिले में चनैथल चौड़ा दो चनैथल है, चौड़ा है, जिंदलपुर है, जीतूपुर है, बाकी इसे कई गांव हैं जो उनके कुछ नाम नहीं याद रह रही, वो 14 गांव है। अच्छा फिर उड़ता है कि गुरचरण सिंह चौड़ा होया है हमारा, जो इंडिया के गुरुद्वारे का प्रबंधक था इस बारी बिना इलेक्शन बिना वोटें, उसमें सारे इंडिया का गुरुद्वारे का प्रबंधक रहा प्रधान। अच्छा फिर मान लो उसका लाज मर्याद थी नहीं, उसका एक उसकी साड़ी की छोरी गोद लेकर फिर घर जमाई लिया हरमेल सिंह चौड़ा। हरमेल सिंह चौड़ा ये अपना वो विरासत उसका जुम्मा है, ओड़ा चल रहा है सारा सिस्टम, न्यू का न्यू मंत्री भी रहा सरकार में इसमें बादल सरकार में। चलो बातों लियो डाली पंजाब वाली ओड़ा तो फिर इसमें मान लो उड़े हमारा माजरा बताए शिमला बीच रही मटोर बीच थे उड़े आके बस गए। उड़े तो आके सुनले फिर ये आगे इतना फैलाव हो गया हमारा खेड़ी बैलंग मटोर, ये तीन गांव हो गए हमारे उरे, तीन गांव हो गए। फिर उरे तक को जोन भी लिखड़ा है, जड़े भी मोहन कवे हैं, वो सारा मटोर तो लिखड़ा है। बाकी मैं लोचो भी बोला बड़ा बड़ा गोद तो हमारा पंवार है, पंवार की शाखा हो गई है दो और, पंवार लोचसब और मोहन। बड़ा गोतमा में पंवार माना जगदे पंवार, बाकी लोचसब और मोहन यो यही चीज़ है। जिन पूछा भाई लोचसब क्यों कवे हैं, भाई लोचसब उसने कदे जुगर आप इस टाइम राजा राजाएं राज हो करते और यो चटाला जुगर जेल में गया, वो भी नहीं कदे जेल में हो गया था किसी का राज में, उसी फिर इतना सख्त तकड़ा था सौंत था भाई, उसी जेल तोड़ गए और वो बाहर निकल गया था और एक लोह के चने चबाए गए थे उसे, और ज्यादा लोचब लग गए थे कहने थी, और नाम हुए है पंवार का नाम लोचब है, दूसरा लोचब नहीं था कोई। अच्छा और भाई मौन है, मौन मारी बेबे बुआ हो करते वह सती हुई थी पूरा शिमला बीच माजरे पर बसे करते वह सती हुई थी, उसका नाम था बूढ़े ला के कहने भाई इसका नाम रेंज जागा और इसका लाज मर्याद और थी होनी कि मैं भाई इसका नाम चल जाएगा थी। मानो नाम था उसका, मानो का नाम था मोहन लाग गए लिखन, वो मोहन न्यू बन गया।
सर जाट बिरादरी से इस गांव में सिर्फ मोन गोत्र के लोग रहते हैं या फिर कोई और गोत्र के लोग भी रहते हैं? अगर रहते हैं तो वो कहाँ से आए हुए हैं? पंचरगढ़ रोड जुगलाना के हैं, वहाँ के गुणा 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 तो आए हुए हैं, कोई मामा फूफी में आए हैं, उनका समझो अपनी मामा फूफी में जमीन जायदाद पे अपने आके वहाँ बस के उन्दी एक घर आया था पंचरगढ़ आज हो रहे हैं उसके। बाकी जो कुछ एक बगड़ बामणा का और कुछ पहला बसदे हो रहा है, कुछ जोन से छोटी बरादरी हैं, कुछ हमारा गले के चले हुए हैं दूर तक जड़े से भी हम आए थे। सर अपने गांव मटोर की टोटल आबादी कितनी है, गांव में वोट कितने हैं? वोट 8,000 हैं, आबादी 11-12,000 की है। सर गांव में कुड़ी कितनी है? कुड़ी मान लो अपनी सारी तो 5,000 गले बन जाएगी। गाँव का रकबा कितना? 36 जात की है गाँव का रकबा, बौनी है 52 बीघे। सर जब भारत आज़ाद हुआ तब अंग्रेजों के टाइम में मुसलमान क्या इस गांव में पहले मुसलमान रहते थे या फिर इस दैड़ बेड़े के टाइम की कोई ऐसी जानकारी है इस गांव के बारे में? जानकारी है उसमें ऐसा है, मैंने माजरा बताया कि बसे नहीं पूरा इसमें राजपूत मुसलमान राजपूत है, मैं हमने उधर दबा के जाड़ के और जो हमने गाँव बन दिया गाँव भी बन दिया है, हमने समझे गाँव छोटा होगा था उस टाइम दैड़ मिली थी हमने इसकी खप्पड़ की, खप्पड़ मारा भाईचारा है आज तक भी को ना तो गोत मिलता हमारा ना कोई बात, और दैड़ मिली थी दैड़ मिलकर उड़े और जो जाएगा उड़े तो समझे मुसलमान रंगर दे दबाए थे और यू गांव बचा था उसके टाइम पर हमारा गला लाटे ब्राह्मण हैं उड़े तक लाण में और बाकी और ये कमार हैं परला बगड़ हरिजना का तुम्हारा का कह लो वाल्मीकि समझे पहले के हैं। अच्छा फिर ये बामन परले या परली साइड के लाले उनका गला ही के थे न्यू बसे थे। सर अपने गांव मटोर में शुरू से लेकर अब तक सरपंच कौन कौन रहे हैं? गोपी लाला बने हैं शुरू में, तो गोपी से फिर करम सिंह जैलदार, फिर बलमत माना पत्ती में कह लो पत्तिया नाम ले लूँगा तो पत्ती माना पत्ती में लाले बलमत बनया है और एक करम सिंह माना पत्ती में बनया है, फिर जूरा बनया है सीमल पत्ती में, साधु राम बनया है सीमल पत्ती में, फिर यो गजे सिंह बनया है माना पत्ती में, फिर टेकरम बनया है राजा पत्ती में, बदराज बनया है राना पत्ती में, फिर अगला कौन आ गया पंडित गजे सिंह बनया फिर सिमल पत्ती में, फिर पंडित जी आगे वहाँ अपने मालू पत्ती में बने हैं मालू पत्ती में, फिर आ गया पृथ्वी सिंह आ गया वाल्मीकिया में आलिया पृथ्वी सिंह आया वाल्मीकिया में, अब रमेश है चौदमा उसका चौदमा गिनती में चौदमा आवा है बेलू मास्टर का फकीरिया नाई माड़ू ब्राह्मण है बदीरा लाट एक यो रामपाल पंडित है बेलू ना ही कभी नहीं खेलते खेलते नहीं तो थोड़े खेलते मनी राम कोच से हाँ रिटायर हो दिया रिटायर हो दिया वो खिलाया करता है हाँ कोच था वो। सर जो खेल होते हैं वो हर गांव का इतिहास हर गांव की पहचान होते हैं, तो आप हमें बताइए कि जो गांव मटोर है उसका खेलों का इतिहास क्या रहा है और आज प्रेजेंट में आज मटोर में जो खेल है वो किस तरीके से होते हैं? बेटा खेलों के अंदर गाँव मटोर का एक अलग से विशेष पहचान है और इसका मतलब योगदान भी रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ खेलों के माध्यम से ही हमारे गाँव मटोर के बहुत से जो युवा हैं आर्मी और नेवी के अंदर जब अम्बाड़ा जोन की भर्ती होती है तो गांव मटोर के जो युवा हैं जो भर्ती में आते हैं वो नंबर वन पर आते हैं, चाहे एथलेटिक्स की बात हो। गांव के अंदर एक खेल स्टेडियम बना हुआ है और उस खेल स्टेडियम के अंदर बहुत से खिलाड़ी यहां रेस के लिए भी आते हैं, कबड्डी की भी तैयारी करते हैं। और रही लड़कियों की बात, गाँव मटोर की जो लड़कियाँ की टीम है वो बहुत ही पूरे लंबे समय से डिस्ट्रिक्ट लेवल की नहीं स्टेट लेवल और हरियाणा लेवल पर हमारी लड़कियां बहुत सी खेल चुकी हैं। और एक हमारी जो लड़की है मनीषा मोहन, उन्होंने बॉक्सिंग के अंदर वर्ल्ड कप जीता हुआ है
और उसकी एक वर्ल्ड लेवल पर बहुत बड़ी पहचान है।